हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैंने परचेस कर लिया ये सोनी का 4.1 होम थिएटर मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम। मैंने परचेस कर लिया है और ये मैंने परचेस किया फ्लिपकार्ट की सेल में, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा सस्ता मिला है और इसका मॉडल नंबर है SAD40। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसी बॉक्स की अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या ऐसे मल्टीमीडिया फीचर्स हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है, साथ में देखेंगे एक्सेसरीज वगैरह क्या दी हुई है और लास्ट में जानेंगे इसकी स्पीकर की क्वालिटी वगैरह और देखेंगे क्या प्राइस मेरे को एक्चुअल पड़ा था, सस्ता कितना पड़ा था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप अगर नए हैं चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, साथ ही वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। सबसे पहले तो हम बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है मॉडल नंबर SAD40 और नीचे लिखा हुआ है 80 वाट का स्पीकर है। साथ में हमें बहुत ही मल्टीमीडिया स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें हमें रिमोट कंट्रोल वगैरह देखने मिलता है, वायरलेस रिमोट कंट्रोल, साथ में हमें USB का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑप्शन दिया हुआ है और साथ में जैक लगाने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कुछ मल्टीमीडिया फंक्शन दिए हुए हैं। अब मैं इसको करता हूं अनबॉक्स मेरे पर्सनल वाले रामपुरी से, तो इसको मैं फटाफट से कर लेता हूं अनबॉक्स। सबसे पहले तो हमें ये वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आप ये देख सकते हैं ये है कंपनी की तरफ से हमें वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है इस स्पीकर का, और साथ में और भी हमें कुछ ये रीडिंग मैनुअल्स वगैरह दिए हुए हैं, इंस्टॉलेशन कैसे आपको करना है ये सब रीडिंग मैनुअल्स वगैरह हमें इस पेपर में देखने को मिल जाते हैं। और साथ में हमें इधर कुछ ये पावर केबल दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं एक पावर केबल दिया हुआ है और आपको रिमोट में लगाने के लिए बैटरी दी हुई है, दो बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में एक और कनेक्टर जो कि 3.5mm जैक वाला कनेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप फोन वगैरह या कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये हमें वायरलेस रिमोट देखने को मिलता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्लिम और छोटा रिमोट हमें देखने को मिलता है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है। और ये हमें अटैच करने के लिए एक और अडैप्टर देखने को मिल जाता है, तो ये डायरेक्टली जो है अटैच हो जाता है ये स्पीकर जो है पावर कॉर्ड से। तो अब मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा ही ये चार स्पीकर हमें देखने को मिल जाता है पूरे सिस्टम बॉक्स में, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में और हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका ये मेन जो बूफर बॉक्स होता है, जो कि ये आप देख सकते हैं ये है इसका मेन बूफर बॉक्स। तो ये आप देख सकते हैं मैं जो इसको साइड में रखता हूँ और फटाफट से पैकिंग बहुत ही हमें अच्छी देखने को मिल जाती है, जिससे कि जो है कोई भी डैमेज वगैरह ना हो सिस्टम वगैरह में। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा ही हमें सिस्टम देखने को मिल जाता है, ये मैं फेंक देता हूँ साइड में और ये आप देख सकते हैं चार स्पीकर हमें ये देखने को मिल जाता है, पूरा ही सिस्टम बहुत ही अच्छा सा दिया हुआ है, मैनेज किया हुआ है पूरा ही। तो ये मैंने निकाल लिया इसका मेन बूफर सिस्टम, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैं इसको 3-4 महीनों से खरीदने की कोशिश कर रहा था बट मेरे को कम प्राइस में नहीं मिल रहा था। इस सेल में मेरे को जो है 10% SBI का डिस्काउंट भी मेरे को मिला था, तो उसमें मैंने परचेस किया था और इसकी जो एक्चुअल प्राइस मेरे को पड़ी वो ऑलमोस्ट 7200 मेरे को पड़ी थी, क्योंकि 100 मैंने फ्लिपकार्ट के पॉइंट्स वगैरह भी लगाए थे। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अट्रैक्टिव हमें लुक ये देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा हैवी वेट है क्योंकि इसमें बूफर दिया हुआ है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जैसे कि आपका सोनी का है तो क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ही अच्छा सा स्लिम हमें देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, फंक्शन दिया हुआ है जैसे कि आप जो है USB वगैरह ब्लूटूथ TV वगैरह पे आप कर सकते हैं। साथ में ये पॉज एंड प्ले का बटन दिया हुआ है फॉरवर्ड का है और साथ में हमें ये USB का फ्रंट में देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो अब मैं इसको जो है फटाफट से जो है पावर कॉर्ड से सप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास सॉकेट है बगल में, तो फटाफट से मैं सॉकेट में कनेक्ट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चारों स्पीकर है इसको आप इजीली यहाँ पीछे में नीचे की तरफ में आप अटैच कर सकते हैं और साउंड की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो फटाफट से मैं अटैच करके उसके बाद मैं आपको इसकी साउंड की क्वालिटी को भी सुनाता हूँ। तो ये मैंने कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है और पावर सप्लाई दे दिया है, बट इस पैकेट में एक चीज़ ये हमें देखने को मिलता है, ये आप गौर से देखेंगे इस तरीके का ये चीज़ देखने को मिलता है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है क्या चीज दिया हुआ है। ये दिया रहता है एक फोम टाइप का, पतला पतला फोम दिया रहता है, वो कहां लगाना रहता है ये आपको 16 पीस मिलता है, कैसे लगाना है यहां आप देख सकते हैं स्पीकर के बॉटम में आपको ये चार पॉइंट दिए रहते हैं जिसपे आप स्टिल रख सकते हैं इसको, जिससे कि स्पीकर हिलेगा नहीं। तो ये ब्रिक्स जो है छोटी छोटी जो फोम की ब्रिक्स हैं वो आपको इन चारों में लगाना है, चारों स्पीकर में, इसलिए 16 पीसेस ये ब्रिक हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत लोगों को नहीं जानकारी था क्यों दिया रहता है, तो ये मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी मैंने पूरा ही कंप्लीट सेटअप कर लिया है, तो ये कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं पावर में रेड लाइट जल रही है, मैं इसको जो है ऑन कर दूंगा, अब ये TV मोड पर आ गया है,
मैं जो इसको फंक्शन पे करूंगा, मैं इसको ब्लूटूथ पे करूंगा, तो जिससे कि मैं इसको अपने आईपैड से कनेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं सॉन्ग्स प्ले करूंगा। तो ब्लूटूथ के सेटिंग में जब हम जाएंगे तो हमें ये एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका है SA-D40, तो यही इसका मॉडल नंबर है, यही ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा इसमें। तो इस पर क्लिक करके मैं इसको पेयर कर लेता हूँ फटाफट से। अब मैं फुल वॉल्यूम करके दिखा देता हूँ क्या इसकी साउंड क्वालिटी दी हुई है। साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड है, सॉफ्ट और क्लियर है। बेस आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट बेस है, मतलब सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है इसकी। अभी मैं इसको फुल वॉल्यूम नहीं किया हूं क्योंकि ये थोड़ा सा नाइट का टाइम है, इस वजह से मैं फुल वॉल्यूम नहीं कर सकता, बट फिर भी अगर मैं आप सुनाऊं आपको तो बहुत ही ज्यादा क्लियर क्रिस्प और एकदम क्लियरेंस है, बैलेंस पूरा ठीक है। और आपका जो बेस होता है, ये जो बेस बूफर दिया हुआ है वो सच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया गया, बहुत ही कमाल का है। अब मैं इसकी एक्चुअल प्राइस की मैं बात करूं तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस मेरे को पड़ी वो पड़ी 7200 के आसपास में, उससे भी कम मेरे को पड़ी, 7100 के आसपास में मेरे को पड़ी, क्योंकि मैंने SBI का ऑफर लगा दिया था 10% डिस्काउंट का, 8200 में मिला का बहुत दिन से मिल रहा था, बट इस बार ऑफर में मैंने फाइनली परचेस कर लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होम थिएटर सिस्टम है। अगर आप इसको अपने रूम में लगा लेते हैं या फिर अपने हॉल वाले टीवी में लगा लेते हैं तो यार साउंड की क्वालिटी ना एकदम समझ लो नेक्स्ट लेवल वाली हो जाएगी, बहुत ही क्लियर और क्रिस्प साउंड क्वालिटी है, बेस बहुत ही अच्छा आएगा। अगर मूवी वगैरह देखना है और आपको 4.1 चैनल जो देखने को मिल जाता है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप 4 स्पीकर लगा लेते हैं, वायर की आप लेंथ देखेंगे तो वायर की लेंथ भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी लेंथ हमें देखने को मिल जाती है, ऑलमोस्ट जो है 1, 2, 3 मीटर की ऑलमोस्ट लेंथ दी हुई है इसके वायर की, तो आप इसलिए जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा लो कर देता हूं, तो इसकी जो वायर की लेंथ दी हुई है वो ऑलमोस्ट जो है 3 मीटर के आसपास में दी हुई है जो मेरे को लग रहा है, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 मीटर के आसपास दी हुई है, तो ओके है, आप नियरली टीवी के आसपास में लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली लगा सकते हैं और आराम से म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं, मूवी को एंजॉय कर सकते हैं पॉपकॉर्न के साथ में। तो ये जो स्पीकर है सोनी का SA-D40 बहुत ही कमाल का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला पीस है, तो ये मैंने परचेस कर लिया फाइनली। बाकी आप जो आप अपना ओपिनियन बिल्कुल शेयर करिएगा, कैसा आपको ये स्पीकर सिस्टम लगा, क्या इसकी क्वालिटी दी हुई है, आपको कैसी लगी, तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे आपने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ घूमकर का आइकन होगा यहाँ क्लिक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जिसको पसंद होगा इतने कम रेंज में इतना अच्छा क्वालिटी का जो साउंड मिल रहा है 7200 में मिल जा रहा है, अभी भी सेल चली, अगर किसी को परचेस करना है इमीडिएटली जाओ और परचेस कर लो, SBI कार्ड का डिस्काउंट लग जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।